हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में लगातार बातें करते रहते हैं, तो आज दोस्तों हम लोग किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टॉक है दोस्तों जो कि हम लोग आज डिस्कशन में लाएंगे वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया मार्केट क्लोज होते होते तकरीबन 1.5% के गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया है 1084 रुपये पर, और इसने आज अपने क्वार्टर टू के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्वार्टर टू के नतीजे अच्छे आए हैं या खराब आए हैं, और अगर अच्छे आए हैं तो आने वाले दिनों में इसके शेयर भाव किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने रिजल्ट आने के पहले ही एक प्री रिजल्ट एनालिसिस किया था और उसके वीडियो अपलोड किए थे, और उस एनालिटिकल वीडियो में हम लोगों ने ये एस्टीमेट लगाए थे कि एफएल इंडिया के जो क्वार्टर टू के नतीजे रहेंगे वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोगों को ये एनालाइज करना होगा कि जो इसने क्वार्टर टू के रिजल्ट जारी किए हैं वो एज पर एक्सपेक्टेशंस एस्टिमेशन आए हैं कि नहीं, और उसके बाद ही दोस्तों हम लोग ये जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में एफएल इंडिया के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पर और वहां से रिजल्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों स्क्रीन पर हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है एफएल इंडिया के क्वार्टर टू के नतीजे, और जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर टू के नतीजे हैं, सेकेंड कॉलम में क्वार्टर वन के नतीजे हैं, थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर क्वार्टर टू के नतीजे हैं, और फोर्थ कॉलम में हाफ ईयर इंडेड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, और फिफ्थ कॉलम में हम लोगों को लास्ट ईयर हाफ ईयर इंडेड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग इसके रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू को कंपेयर करें दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूं, और उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित भी होते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो टोटल रेवेन्यू है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें कितना परसेंट का जंप देखने को मिल रहा है, तो ये 75% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है। बहुत ही ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को बहुत ही तगड़ा तकरीबन 112% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है इनके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। तो बहुत ही तगड़ा ये सेट ऑफ नंबर्स रेवेन्यू जनरेशन के मामले में दिखा पा रही है दोस्तों। अगर वहीं बात करें दोस्तों कि हाफ ईयर इंडेड पीरियड में इनके रेवेन्यू में ग्रोथ कैसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके रेवेन्यू में हाफ ईयर बेसिस पर तकरीबन 99% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से इनके रेवेन्यू जनरेशन में दोस्तों हम लोग कहीं भी कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही। बहुत ही स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस दिखाया है एफएल इंडिया ने अपने रेवेन्यू जनरेशन में। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू तो बहुत अच्छा ये जनरेट की, सेम पीरियड में ये प्रॉफिट निकाल पाई कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नेट प्रॉफिट की, तो ये देखिए इसमें भी हम लोगों को तकरीबन 33% का बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप के मामले में, तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें तकरीबन 78% का डबल डिजिट का बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनके नेट प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त जंप देख रहे हैं। अगर हाफ ईयर इंडेड पीरियड में भी इनके प्रॉफिट को कंपेयर करें तो वहां पर भी हम लोगों को तकरीबन 83% का बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी हम लोग इसके जो रिजल्ट हैं दोस्तों वो कहीं भी किसी प्रकार की खराबी नहीं देख रहे, बहुत ही अट्रैक्टिव सेट ऑफ नंबर्स लेकर के एफएल इंडिया लेकर के हम इन्वेस्टरों के सामने ही है।
जितने भी निगेटिविटी देखने को मिल रहे थे एफएल इंडिया में, वो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई खराबी देखने को मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ईपीएस की, कि ईपीएस में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, इनके ईपीएस में भी काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये तकरीबन 13.68 से बढ़कर के 18.08 होते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर इनके ईपीएस में देखिए, ये तकरीबन यहां पर भी 80% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ऐसा रिजल्ट दोस्तों किसी भी कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगा जहां की ईपीएस में 80% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें दोस्तों कि मार्जिन की, तो मार्जिन भी इनके तकरीबन 16% के आसपास देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर टू में, जबकि क्वार्टर वन में इनके मार्जिन जो थे वो तकरीबन 21% थे। और अगर लास्ट ईयर क्वार्टर टू के मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी ये 20% के आसपास देखने को मिले थे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इसके मार्जिन लगातार डबल डिजिट में बने हुए हैं और इनके रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एफएल इंडिया के जो रिजल्ट आए हैं दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन है और इस शेयर में हम लोगों को आने वाले समय में काफी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था, निगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके क्वार्टर टू के भी नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। तो अब हम लोगों को इस स्टॉक में आने वाले समय में बहुत तेज रैली देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जब इसमें रैली बनेगी ही तो वो रैली इस स्टॉक को कहां ले जाकर के छोड़ सकती है। तो इसके टेक्निकल चार्ट को देखने से दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर इसने जो रैली दिखाया था, ये देखिए काफी तगड़ी रैली दिखाया था। उसके बाद जो FY22 का जो पीरियड रहा है दोस्तों, एफएल इंडिया ने अभी तक इसमें करेक्शन दिखाया है और कुछ हद तक रिकवरी दिखाई है। FY22 की रैली अभी तक एफएल इंडिया में हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन अब तो दोस्तों क्वार्टर वन के भी रिजल्ट अच्छे आ गए, क्वार्टर टू के भी रिजल्ट अच्छे आ गए। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस स्टॉक को इन स्तरों से ऊपर जाता हुआ अवश्य देखेंगे। और इसमें जब रैली आएगी दोस्तों तो जो पहला टारगेट निकल करके इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है वो 1528 रुपये का देखने को मिल सकता है। लेकिन जितने बेहतरीन सेट ऑफ नंबर से कंपनी लेकर के आई है, हम लोग ये जरूर उम्मीद करेंगे कि ये और भी उच्चतम लेवल कौन सा दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, 2064। इस लेवल को ये स्टॉक आने वाले 5 से 6 महीने में अवश्य छू सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि इसके क्वार्टर टू के नतीजे मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे, तो मार्केट इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा ये तो दोस्तों हम लोग कल या आने वाले दिनों में ही देख पाएंगे। लेकिन अभी मार्केट में जो मनोदशा चल रही है दोस्तों, किसी भी स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी उसकी पिटाई देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग एफएल इंडिया के बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्शन देगा। तो हम लोग इंतजार करें और अपने टारगेट को ध्यान में रखें और इस स्टॉक में बने रहें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप मन बना रहे हैं खरीदने का, तो इन स्तरों पर इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है और लंबे समय तक बने रहें तो ये काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ऐसा मुझे लगता है। आपके व्यूज मुझसे अलग हो सकते हैं, अगर व्यूज अलग हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।